नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M53 5G versus Xiaomi Mi 11i का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M53 5G में 6.48 इंच जबकि Xiaomi Mi 11i में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि M53 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो M53 5G में 3.03 इंच जबकि Xiaomi Mi 11i में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि M53 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो M53 5G में 0.29 इंच जबकि Xiaomi Mi 11i में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि M53 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो M53 5G में 176 ग्राम्स जबकि Xiaomi Mi 11i में 207 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि M53 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M53 5G में सुपर AMOLED प्लस जबकि Xiaomi Mi 11i में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M53 5G में 6.7 इंचेस जबकि Xiaomi Mi 11i में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M53 5G में 85.46% जबकि Xiaomi Mi 11i में 86.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M53 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Xiaomi Mi 11i में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M53 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Mi 11i की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M53 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi Mi 11i की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M53 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Xiaomi Mi 11i में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G68MC4 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M53 5G में MediaTek Dimensity 900 और Xiaomi Mi 11i में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M53 5G में Android V12 जबकि Xiaomi Mi 11i में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी M53 5G में 5000 mAh जबकि Xiaomi Mi 11i में 5160 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो M53 5G में 2 कलर्स जबकि Xiaomi Mi 11i में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
M53 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 28,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Xiaomi Mi 11i की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,996 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Samsung Galaxy M53 5G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 11i की, तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में M53 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M53 5G आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Samsung Galaxy S20 FE है, दूसरा Vivo X60 है, तीसरा Realme GT 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें OnePlus 9R है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।